गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं डेटा पॉइंट हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं। और FIIs, DIIs और प्रॉप डेस्क ने कैश और फ्यूचर ऑप्शंस में क्या पोजीशन बनाया है। प्राइस एक्शन हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट क्या रह सकता है। चलिए हम इन सब बातों पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम कैश का डेटा देखें तो आपको दिखेगा जो FIIs है आज वो कैश में नेट बायर थे, उन्होंने लगभग 1100 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। वहीं अगर हम DIIs की बात करें तो लगभग 50 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाई किया। अगर हम बात करें डेरिवेटिव के डेटा की तो डेरिवेटिव में आपको दिखेगा यहाँ पे जो फ्यूचर के अंदर जो क्लाइंट है वो लॉन्ग पोजीशन थोड़ी बहुत अनवाइंड करते हुए दिखे। वहीं उन्होंने लगभग 6300 करोड़ के आसपास की शॉर्ट पोजीशन अनवाइंड की है, 6300 के आसपास। DIIs का कोई खास एक्टिविटी नहीं था, FIIs का भी कोई खास एक्टिविटी नहीं था। लगभग 4700 के आसपास इन्होंने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट को अनवाइंड किया है, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट लगभग 2200 बनाए, जो कि हम उतना इसको वेटेज नहीं देते क्योंकि ये काफ़ी छोटा क्वांटिटी, छोटा नंबर है। अगर हम प्रॉप डेस्क की बात करें तो इन्होंने लगभग 8500 के आसपास शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं। वहीं लॉन्ग भी इन्होंने लगभग 6200 के आसपास लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं। अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो ऑप्शन में आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो क्लाइंट है वो लॉन्ग पोजिशन कैरी कर रहे हैं कल के लिए। जो FIIs है वो आपका यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे हैं। और क्लाइंट की अगर हम बात करें तो क्लाइंट आपको यहाँ पे प्रॉप डेस्क अगर बात करें तो प्रॉप डेस्क आपको शॉर्ट पोजीशन कैरी करते हुए दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो क्लाइंट है वो लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं कल के लिए, तो उन्हें लगता है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अप रहने की चांसेस है। अगर हम बात करें DIIs की तो इनकी कोई एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे FIIs और प्रॉप डेस्क ये दोनों शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे हैं कल के लिए, तो इनको ऐसा लगता है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कल नेगेटिव रहने के चांसेस है। अगर हम बात करें FIIs का डेटा की, जैसे हमने कल डिस्कस किया था जो उन्होंने पोजीशन बनाया हुआ था 18300 का उन्होंने पुट राइट किया था, तो हम देख सकते हैं उन्होंने लगभग 98 रुपीज़ के आसपास एवरेज प्राइस पे इन्होंने इसको राइट किया था, जो कि आज इन्होंने फर्स्ट हाफ में ही लगभग 60 रुपये के आसपास इसको क्लोज कर दिया। फिर इन्होंने रिवर्स पोजीशन बनाया, इन्होंने 18300 का कॉल राइट करना स्टार्ट किया, जो कि 118 रुपये के आसपास राइट किया। देन आफ्टर थोड़ी देर के लिए मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई थी, बट इन्होंने स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर नहीं किया, स्टॉप लॉस नहीं लिया, और डे एंड पे ये जो कॉल है ये लगभग 102 रुपये के आसपास क्लोज हुआ। तो इनको यहाँ पे लगभग 16 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है पर लॉट के आसपास। तो ये था। तो अगर हम बात करें टोटल ऑल समरी की तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट है लगभग 12,000 के 12,500 के आसपास डिक्रीज़ किया, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ कर रहा था, प्राइस डिक्रीज़ कर रहा था, तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। तो हम शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यू है, सेंटीमेंट है, वो थोड़ा बेयरिश है FIIs का और प्रॉप डेस्क का। कल के लिए ये जो व्यू लेके चल रहे हैं ये बेयरिश व्यू लेके चल रहे हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम शॉर्ट साइड में कोई ट्रेड सर्च करें। बट अब चलिए हम प्राइस एक्शन पे देखते हैं, प्राइस एक्शन हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है। तो अगर हम बात करें निफ्टी की तो 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो निफ्टी हमें क्लियरली दिख रहा है कि सारा दिन हमने प्लान किया था निफ्टी को हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो भी ट्रेड लेंगे लॉन्ग ट्रेड वो बैंक निफ्टी में लेंगे, बट हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला और सारा दिन ये है एक रेंज में ट्रेड करता रह गया, यहाँ आप देख सकते हैं। तो कल इधर साइड का जो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट हमें पता है कि डेटा पॉइंट हमें नेगेटिविटी की तरफ सजेस्ट कर रहे हैं कि कल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो वीक रह सकता है। तो हम कोशिश करेंगे, हम ये ट्राई करेंगे कि हमें अगर डाउन साइड का जो ट्रेड मिलता है मतलब शॉर्ट साइड में तो हम उसे फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, बट अगर हमें ऊपर का ट्रेड मिलता है तो हम अपने क्वांटिटी को रिड्यूस कर लेंगे, हम 25% पे ट्रेड करेंगे। मान लीजिए अगर आप 100 लॉट पे ट्रेड करते हैं तो ऊपर अगर आप लॉन्ग के साइड पोजीशन बनाते हैं तो आप सिर्फ 25 लॉट पे ट्रेड कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ज़्यादा शॉर्ट साइड में कल फेवरेबल रहने के चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं निफ्टी कल कहाँ मोमेंटम कर सकता है। निफ्टी अगर कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये लेवल क्रॉस करता है जो कि आपका 18300 के आसपास का है, या मतलब आप बोलिए आज का लो है, अगर ये लो क्रॉस करता है हम इमीडिएट सेल करेंगे 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस। सबसे पहले निफ्टी कोशिश करेगा कि इस लेवल के आसपास आने का, यहाँ रिट्रेस करेगा। अगर यहाँ पे ये होल्ड कर जाता है, यहाँ पे होल्ड करके कहीं भी 5 मिनट पे प्राइस एक्शन बनाता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। अगर ये इसके नीचे, अगर मान लीजिए कि एक 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देता है, इट मीन्स कि डाउन साइड अभी पेंडिंग है और निफ्टी कोशिश करेगा फिर ये गैप को फिल करने का जो कि 18040 18050 के आसपास है। लॉन्ग साइड में अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद मान लीजिए कहीं पे भी 18360 370 के आसपास गैप अप खुलता है,
गैप अप खुलने के बाद एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम इस ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। 20 से 25 रुपये का स्टॉप लॉस 1:2 हमारा टारगेट होगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने जैसा कि कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर इस स्विंग को क्रॉस करेगा तो हम बाई करेंगे, बट हमें ये देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी स्विंग को क्रॉस नहीं किया, बिल्कुल इसके पहले इसके नीचे से ही बैंक निफ्टी खुला, यहाँ आया और उससे पहले ही रिट्रेस कर गया। तो यहाँ बैंक निफ्टी भी हमें एक रेंज में दिख रहा है, अगर आप देखें तो ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। प्लस अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको एक इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिखेगा, तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा, इधर साइड हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आप डेली चार्ट में देख सकते हैं क्लियरली आपको एक इनसाइड कैंडल दिखेगा, मतलब कि ये जिधर भी ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम कल का जो लो है और कल का आज का जो लो है और आज का जो हाई है इसको हम मार्क कर लेंगे। और इसके बाद अगर हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो मान लीजिए यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी ये जो लो है आपका 41,960 इसके नीचे निकलता है तो हम इमीडिएट इस पर शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, क्योंकि डेटा पॉइंट भी हमें सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट का व्यू थोड़ा बियरिश रहने के चांसेस है। तो 950-960 के नीचे हम इमीडिएट शॉर्ट करेंगे, 50 से 60 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 हमारा टारगेट होगा। बैंक निफ्टी कोशिश करेगा इस गैप को फिल करने का 41,600-700 के आसपास। इसके बाद हम देखते हैं अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे हॉल्ट करता है या फिर कोई प्राइस एक्शन बना के सेकेंड हाफ में फिर निकलता है, तो फिर हम यहाँ पे जो अगर ये डबल बॉटम का इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो अपना पोजिशन यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। चलिए हम स्टॉक्स देख ले। स्टॉक्स अगर हम देखें तो पहला स्टॉक्स है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। अगर आईबुल हम देखें तो ये लॉन्ग साइड में हमें अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आईबुल कल अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद मान लीजिए कि 135 के ऊपर निकलता है तो हम इमीडिएट बाई करेंगे, 1 से 1.5 रुपया का स्टॉप लॉस, 1:2 हमारा टारगेट होगा। आईबुल कोशिश करेगा इस स्विंग के ऊपर ये क्लोज देने का, अगर इसके ऊपर ये क्लोज देता है तो फिर एक हमें अच्छा मोमेंटम ऊपर के साइड को और देखने को मिल सकता है, बट हमारा स्टॉप लॉस 1 से 1.5 रुपया का होगा, 1:2 हमारा टारगेट होगा। नेक्स्ट स्टॉक है जेके सीमेंट। आज बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम में था, अच्छे वॉल्यूम के साथ भी इसमें एक ट्रेड देखने को मिला है। तो कल जेके सीमेंट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद 2940 के ऊपर निकलता है तो हम इमीडिएट बाई करेंगे, 10 से 12 रुपये का स्टॉप लॉस, 1:2 हमारा टारगेट होगा। जेके सीमेंट कोशिश करेगा सबसे पहले इस स्विंग को टेस्ट करने का, इसके बाद ये कोशिश करेगा इसके ऊपर क्लोज देने का कहीं पे, कि बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हमने कल भी डिस्कस किया था, हमने आज इसको इंट्राडे के लिए लिया था और हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। अगर आप बात करें तो मैं इस पोजीशन को कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट मैंने आपको बताया था कि अगर ये कोशिश करेगा इस स्विंग को टेस्ट करने का लाइक 2450 के आसपास, देन आफ्टर अगर यहाँ पे कहीं पे मेरे को 15 मिनट में या एक घंटे में प्राइस एक्शन दिखता ऊपर के साइड को तो मैं पोजीशन एग्जिट करूँगा। हालांकि ये बहुत अच्छा ब्रेकडाउन है और ये कोशिश करेगा इस स्विंग को रीटेस्ट करने का। तो हमने कल यहाँ पे 2500 के नीचे शॉर्ट करने का सोचा था कि 2500 पे हम शॉर्ट करेंगे, 2510 का स्टॉप लॉस, 1:2 हमारा टारगेट होगा और बिल्कुल हमारे फेवर में ये ट्रेड आया। तो कल अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद 2455 के नीचे निकलता तो हम इमीडिएट इसको शॉर्ट करेंगे, 7 से 8 रुपये का स्टॉप लॉस, 1:2 हमारा टारगेट होगा। ये कोशिश करेगा कि जो सेलर्स है वो कोशिश करेंगे इस स्विंग के नीचे इसको कहीं क्लोज देने का, कि वो ज़्यादा डीप करेक्शन इसमें ला सके। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टॉक की तो वो है आइशर मोटर। आइशर मोटर आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक रेंज में अब ये फंस रहा है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हायर लोज का और हायर लोअर हाइज का और लोअर लोज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुका है। तो पहले ये हाई था, अब ये हाई धीरे धीरे नीचे को शिफ्ट हो रहा है, सेलर्स अब इसको डोमिनेट कर रहे हैं। कल इसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ इस कैंडल में एक सेलिंग देखने को मिला, आज एक इनसाइड कैंडल के आसपास बना, ये इनसाइड कैंडल नहीं है बट इनसाइड कैंडल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर कल मान लीजिए कि आइशर मोटर फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप डाउन खुलता है, मतलब गैप डाउन बोले तो 3500 के ऊपर खुलना चाहिए, इन बिटवीन 3516 और 3500, इसके बाद 3500 को जैसे नीचे को क्रॉस करता है हम इमीडिएट सेल करेंगे, 10 से 12 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 टारगेट होगा। आइशर मोटर कोशिश करेगा इस स्विंग को रीटेस्ट करने का, तब तक हमें अपना टारगेट मिल जाएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।